नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। खबर डबरा से है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के दिल और दिमाग से कांग्रेसी निकल नहीं रही है। डबरा में हुई आम सभा के दौरान उनकी आज फिर जुबान लड़खड़ा गई और कहा, हाथ का पंजे वाला बटन दबाइएगा। भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी सुमन के समर्थन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डबरा में रोड शो किया, जिसके बाद पुरानी कृषि उपज मंडी प्रांगण में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा, सुनिए उनकी जुबानी। उन्होंने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप विकास के साथ खड़े हो तो आप अपना पूरा आशीर्वाद इमरती देवी जी को प्रदान करो और हाथ उठाकर आप हमें और शिवराज सिंह जी को विश्वास दिलाओ। मेरी डबरा की शानदार और जानदार जनता विश्वास दिलाए, मुट्ठी बांध कर विश्वास दिलाओ, आने वाले 3 तारीख को हाथ के पंजे वाला बटन दबेगा। इसके बाद उन्होंने लड़ाई हुई जवान से दोबारा कमल के फूल वाला बटन दबाकर कांग्रेस को बोरिया बिस्तर में लपेट कर उखाड़ फेंकने का बयान दिया। डबरा से संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। कभी ना ठगरा सिंह जी और हमें, मेरी डबरा की जनता, मेरी जानदार और शानदार जनता, मुट्ठी बांध कर विश्वास दिलाओ, विश्वास दिलाओ कि 3 तारीख को हाथ के पंजे वाला बटन दबेगा और कांग्रेस कमल के फूल वाला बटन दबेगा और हाथ के पंजे वाले बटन को बोरी बिस्तर बांध के हम यहाँ से रवाना करेंगे। मेरे भाई और चालू है, शिवराज सिंह जी की तरफ से मैं अर्पित करना चाहता हूँ कि ना थके हैं पैर कभी, ना थके हैं पैर कभी, ना कभी हिम्मत हारी है, ना थके हैं।